चलिए, एक नोटिफिकेशन आया है। आप सभी लोगों को इसके बारे में सूचना मिल ही गई होगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है फिर से वही सीन जो आपका एएलपी में हुआ, वही सीन आपका टेक्नीशियन में भी हुआ है। तो गुड इवनिंग पवन जी, मैंने पिछले लाइव में आप लोगों को बताया था कि करीब 9 से 10 हज़ार ही पोस्ट ये लोग दे दें, बहुत मैक्सिमम बहुत बड़ी बात है, और वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था एएलपी को लेकर के। जैसा एएलपी के साथ इन्होंने धोखा किया, वही धोखा इन्होंने टेक्नीशियन के साथ भी किया है। ये नोटिफिकेशन आप सबको मिल ही गया होगा, बट मेरे पास आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया है, प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बनाएं, और सिलेबस क्या रहेगा इस नोटिस में हम लोग देखेंगे। देखिए CEN 02/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव टाइमलाइन, इन्होंने टाइमलाइन एक टेंटेटिव संभावित टाइमलाइन जो है वो जारी की है ना राम लखन जी। हेलो, देखिए टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज अबाउट 9000, फिर से वही काम, हर एक बात मान रहा है रेलवे आपकी, चाहे आप टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन वैकेंसी की बात करें, चाहे आप एज रिलैक्सेशन की बात करें, चाहे आप जो आपका एग्जाम नोटिफिकेशन निकल रहा है उसका शेड्यूल के बारे में बात करें। एग्जाम डेट की बात करें, हर वो चीज बात मानने को तैयार है, सिवाय एक बात के कि वैकेंसी इंक्रीज करने के, है ना। देखते हैं पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज फरवरी 2024, इन्होंने बताया है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो होता है जिसमें पहले आ जाता है भर्ती का सूचना, उसमें पब्लिकेशन है ना, इसमें पब्लिश करने के लिए फरवरी 2024 में, यानी कि अभी जनवरी आपका लगभग गया ही आज। दूसरा नंबर क्या है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल 2024, ये बता रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में हम लोग फॉर्म फिलअप करवा लेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे फॉर्म फिलअप करवा लेंगे, कब, मार्च और अप्रैल में, ठीक है ना। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBTs आर टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीन महीनों में अगर ये लोग दो स्टेज का एग्जाम लेंगे, है ना, दो स्टेज का एग्जाम लेंगे तो वो पूरा कंप्लीट करा लेंगे। मुझे इसमें जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है, है ना। चलिए अगला क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन फरवरी 2025। कह रहे हैं कि जो डीवी का शॉर्ट लिस्ट होगा वो फरवरी 2025 में हम लोग रिलीज कर देंगे, समझ रहे ना इस खेल को। प्लीज नोट, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली पैनल्ड फॉर इशू इन अप्रैल 2025। ये कह रहे हैं कि अप्रैल 2025 में हम लोग फिर से नई वैकेंसी भी ला देंगे, वही सेम जो इन्होंने लोको पायलट का पूरा बताया, वही सेम इन्होंने टेक्नीशियन का भी बताया। अभी जो डाउट है सिलेबस को लेकर के कि तीन महीने में दो स्टेज का एग्जाम है, क्या चेंजेस हो सकता है, वो बाद में आएंगे हम लोग। लेकिन सोचिए कितने शर्म की बात है कि हर एक चीज वो मानने को तैयार है, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी मांग है वैकेंसी इंक्रीज करने को, उसके लिए कोई भी सिंगल नोटिफिकेशन नहीं, कोई भी उसकी सूचना नहीं, जैसे कि किसी को कुछ पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, है ना। हम लोग आएंगे इस पे, आएंगे राज जी, है ना, लेकिन सोचिए कितने शर्म की बात है ये कि वैकेंसी एएलपी के बच्चे इतना ज्यादा परेशान हैं, लाठियां खा रहे हैं, और ना तो ये एएलपी का वैकेंसी इंक्रीज करने में है, ना ही टेक्नीशियन की वैकेंसी। टेक्नीशियन की वैकेंसी इन्होंने कितनी बताई, 9000 सीट टेक्नीशियन की है, और लगभग 5600 वैकेंसी एएलपी की है। इसी 5600 में बीटेक वाला भी लड़ेगा, डिप्लोमा वाला भी लड़ेगा, और आईटीआई वाला तो लड़ेगा ही लड़ेगा, और इतनी वैकेंसी में मुझे नहीं लगता कि आईटीआई वाले का बेचारे का नंबर लगने वाला है। फिर इन्होंने टेक्नीशियन का वैकेंसी दिया कि भैया 9000 वैकेंसी पूरे भारत में, हम 9000 वैकेंसी दे रहे हैं आपको टेक्नीशियन की, 9000 पोस्ट है, अप्लाई करिए, और नौकरी ही नौकरी बट रही है, ये हाल चल रहा है।
तो जो मांग है उसके अलावा बाकी सब हम दे देंगे। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी दे देंगे, घर से उठा के दे देंगे आपको, बस नंबर ऑफ पोस्ट नहीं इंक्रीज दिखेगी आपको। चलिए, सर्वेश जी कह रहे हैं कि ग्रुप डी में आईटीआई, अरे बिल्कुल होना चाहिए, ग्रुप डी में आईटीआई बिल्कुल होना चाहिए भाई। आपने नोटिस निकाला, किसी ने आपसे पहले नहीं कहा कि आईटीआई आप एलिजिबल करिए। एक बार आप नोटिस निकालते हो कि आईटीआई कर लो आप ग्रुप डी के लिए, फिर आप फिर से नोटिस निकालते हो कि आईटीआई या हाई स्कूल है या 10th है तो आप फॉर्म भर देंगे। फिर से दोबारा आप नोटिस डालते हो कि अब आईटीआई कर लो, अगली बार से नहीं मानेंगे, अगली बार से आईटीआई कंपलसरी है। मजाक बना के रख दिए हैं। तो अभी अप्रेंटिस वालों का तो बेचारों की कोई बात ही नहीं सुन रहा है, ना उनकी बात कोई कर रहा है। तो रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि कैसे भी करके आप सब लोग सपोर्ट करें उन बच्चों का जो लड़ रहे हैं इसके लिए, और किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाएं, दायरे में रह करके अपनी बातों को रखिए ज्यादा से ज्यादा, जहां जहां आप रख सकते हैं अपनी बातों को। क्योंकि 9,000 वैकेंसी, इतनी सीट तो एक स्टेट की पुलिस वाले दे देते हैं। अभी यूपी में वैकेंसी आई है 60,000 प्लस वैकेंसी है, 60,000 प्लस वैकेंसी है। और इतना बड़ा भारत देश, इतनी ज्यादा रेलवे चल रही हैं, इतने ज्यादा ड्राइवर की कितनी जरूरत है, कितनी कमी है। अभी एक न्यूज में आया था कि एक लोको पायलट बीच में उतर गया कि अब हम आगे नहीं ले जाएंगे, हम 16 घंटे काम कर चुके हैं। रेलवे यूनियन कह रहा है कि हमको 15,000 से प्लस लोको पायलट की जरूरत है। अरे तो दो ना भाई, 9,000 और 5, 14,000, 14,000 प्लस वैकेंसी है। 60,000 6 साल पहले, 6 साल बाद 14,000। अब अगर मैं इस 9,000 सीट को अगर बांटूं, 9,000 सीट को धोखे से 90,000 हो जा रहा है, ये हालत कर दिए हैं ये लोग। अगर आज हम लोग 9,000 सीट को अलग अलग ट्रेड में, टेक्नीशियन में बांटे तो कितनी वैकेंसी आएगी। इसी में फिटर वाला बच्चा भी है, इसी में आपका वेल्डर वाला बच्चा भी है, इसी में आपका डीजल मैकेनिक भी है, इसी में आपका इलेक्ट्रिशियन भी है, इसी में भाई आपका आरएसी भी है, इसी में प्लम्बर भी है, इसी में कारपेंटर भी है, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले बच्चे भी इसी में घुसे हुए हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक, ये मैं कुछ फेमस ट्रेड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अभी आपका बचा हुआ है। तो कम से कम 10 ट्रेड के बच्चे हैं और 21 टोटल भर्ती जोन है, आरआरबी 21 जोन है। अगर इस 21 जोन को हम लोग 9,000 में डिवाइड करें तो कितनी वैकेंसी आएगी। फिर इस 9,000 को आपने 21 में बांटा, 1,000 वैकेंसी भी नहीं है एक जोन में, और मान के चलता हूं मैं 500 वैकेंसी, मैं इलाहाबाद जोन का मान के चलता हूं। अब उस 500 वैकेंसी में 10 प्लस ट्रेड वाले बच्चे हैं, कितनी वैकेंसी आई एक ट्रेड के हिस्से में। कितने शर्म की बात है कि क्या पूरे इलाहाबाद जोन में वेल्डिंग करने वाले बच्चे की सिर्फ 5 जरूरत है, सिर्फ 5-10 बच्चों की जरूरत होगी। फिटर वाले बच्चों की सिर्फ 5 बच्चों की जरूरत होगी। क्या प्लंबर, क्या पानी की सप्लाई अब बंद कर दी जाएगी, पानी आप लोगों को रेलवे में देखने को नहीं मिलेगा। क्या प्लंबर वाला बच्चा अब नहीं रहेगा, एक दो बच्चा रहेगा जो कि अब कोई नया निर्माण नहीं होगा, पानी जो आ रहा है बस उसी का देखरेख कर देगा।
सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना इस लेवल को कि कितनी वैकेंसी अगर आप इसको बांटे तो कितनी वैकेंसी आपके किसी एक जोन में, और आप किसी एक जोन में ही अप्लाई करोगे, किसी 500 सीट के लिए ही 400 हो सकता है 500 सीट भी ना आए। अगर 500 सीट में भी मैं डिवाइड करूं तो टोटल 18 जोन को ही सिर्फ सीट मिल पाएगी। इस प्रकार का हाल बना रखा है रेलवे का। हालांकि मेरी बात तो पहुंचेगी नहीं, लेकिन अगर पहुंचे तो प्लीज सुनिए इन बच्चों का। 6 साल पीछे वैकेंसी नहीं आई है, एटलीस्ट आपने इसको 15 किया है, 30 कर दीजिए, 45 कर दीजिए, फिर अगले साल से आप निकालिए रिक्रूटमेंट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचिए कि क्या लोको पायलट और टेक्नीशियन कोई अमीर बच्चे के घर से आएगा? जो मजदूर है, जो किसान है, उसने अपने बेटे को आईटीआई कराई, पॉलिटेक्निक कराया, अब वो पढ़ रहा है ड्राइवर की भर्ती के लिए, टेक्नीशियन के लिए, कोई सुनने वाला नहीं है। कितने मिलियन ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्वीट का आप ब्लॉक कर रहे हो, अगले दिन से वो हैशटैग ही नहीं आ रहा है भाई, आईडी डिलीट हो जा रही है। मैं ट्वीट कर रहा हूं, मेरी आईडी ही ब्लॉक हो जा रही है, वो हैशटैग आपने डाला, आईडी ब्लॉक। और मीडिया, हे प्रभु, कोई मतलब, आज मैंने तो एक कटिंग देखी कि उसमें लिखा था कि 60,000 वैकेंसी दिया, 60,000 वैकेंसी दिया, अभ्यर्थी 75 की मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी 75 की मांग कर रहे हैं, 75 की मांग कर रहे हैं। तो सारे मिल करके तरीके से, उचित तरीके से एक दूसरे का सहयोग करें। अभी नहीं बढ़ पाई तो बहुत मुश्किल है भाई। जितने बच्चे हमसे भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आरएसी ट्रेड के हों, चाहे फिटर ट्रेड के हों, चाहे वेल्डर के हों, चाहे ट्रैक्टर मैकेनिक हों, कितने बच्चे मुझे फीस दे दे करके पढ़ रहे हैं, और अगर यही वैकेंसी रही तो बुरा मत मानिए, आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा घर। जो सपना सजो कर आप घर से निकले थे कि मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे होंगे हमारे, वो हमारी तरह नहीं रहेंगे, वो सपना आपका छूट जाएगा। वेल्डर की सीट पूछ रहे हो भाई, वेल्डर की सीट इस 9,000 पोस्ट में अगर फिटर में भी मिला करके मैं मानूं, क्योंकि कंबाइंड सीट भी है, तो मुश्किल से 2,000 सीट अगर फिटर में भी आप लोग, क्योंकि मिक्स सीट होती है, सिर्फ कोर वेल्डर की नहीं, 2,000 सीट मैक्सिमम होगी। और आपके जोन में, किसी एक जोन से आप अप्लाई करोगे, पूरे भारत में तो अप्लाई कर नहीं दोगे, और आपके जोन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 वैकेंसी, जो बहुत हॉटेड जोन होंगे, बहुत बढ़िया जोन होंगे, वहां पे 100 वैकेंसी, वो भी मिला के जहां फिटर वाला भी लड़ेगा, आप भी लड़ोगे, ये वैकेंसी आपको मिलेगी दोस्त। प्लम्बर का क्या होगा? एक एक क्रिएशन जी पूछ रहे हैं कि भैया प्लम्बर का क्या होगा। प्लम्बर का तो मुझे लगता है कि 4 सीट 5 सीट एक जोन में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। टेक्नीशियन में सिर्फ सीवीटी 2 होगा क्या? बिल्कुल, हमें तो यही लग रहा है कि जिस हिसाब से सिर्फ 3 महीने इन्होंने दिए हैं तो सिर्फ एक एग्जाम होगा, और उस एक एग्जाम में पार्ट ए और पार्ट बी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए अच्छी शुरुआत है अगर ऐसा होता है, क्योंकि वो प्रोसेस फिर लंबा होता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं अलग किया है तो हो सकता है कि दिमाग में होगा कि इतना बड़ा क्यों, वहां पे भीड़ ज्यादा है, इसलिए सीबीटी 1 में बच्चों को कम करना है।
बिल्कुल, एक बच्चा एक ही जोन से अप्लाई कर पाएगा। फुल नोटिफिकेशन भैया मैंने बता दिया, लेकिन फुल नोटिफिकेशन के लिए, फुल नोटिफिकेशन ना आने पाए उससे पहले आप लोग चाहो तो कुछ हो सकता है। फुल नोटिफिकेशन इन्होंने बताया है कि आपका मार्च अप्रैल में, फरवरी में आपका नोटिस आ जाएगा अंतिम होते होते। तो साथ दें, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। और लाठी भी चल रही है तो किसके किसके बीच में, कितना दुर्भाग्यपूर्ण वो वीडियो देख करके कितना बुरा लग रहा है कि वही बच्चा जो अभी कल बेरोजगार था वो सिलेक्ट होकर के गया, और एक अभी वहीं जाने के लिए लड़ रहा है और इन दोनों को लड़ा रहे हो आप। सोचो, मजबूर है वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो वो भी यहीं आ जाएंगे, वो भी यहीं आ जाएंगे। कितना बढ़िया खेल चल रहा है, ऊपर से सब देखा जा रहा है तमाशा। हाँ, एएलपी टेक्नीशियन डिफरेंट जोन भर सकते हो आप। फिर से ट्विटर होना चाहिए भैया, कहाँ से ट्विटर कर दोगे आप? क्या हैशटैग लाओगे आप? हैशटैग डालोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, क्या लगाओगे आप? और काहे का ट्विटर, नौकरी मिल तो रही है, इतनी सारी वैकेंसी है, आप किस बात का ट्विटर? 9,000 वैकेंसी कम है? कपिल देशमुख जी कह रहे हैं कि कहां से बढ़ेगी वैकेंसी, क्या प्लान है? तो ज्ञापन बनाइए, हर जगह पे सौंपिए, ट्विटर है, ईमेल है, जो जगह निर्धारित की गई है प्रोटेस्ट के लिए वहां बैठिए, वहां जाइए, बच्चों का सहयोग करिए। राज कह रहे हैं सर वेल्डर में कैसा कंपटीशन रह सकता है? बहुत कंपटीशन रहेगा भाई, पढ़ लेना, कितना पढ़ लो यार भाई, 9,000 वैकेंसी है, कितने बच्चों का कल्याण होगा एक जोन से? अगर अंतिम में ठीक है, फॉर्म नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इस वैकेंसी को देख के ये भय बना है कि अंतिम में आखिर में कितने बच्चे को नौकरी मिलेगी। 5 साल 6 साल से ठीक है, वैकेंसी 40,000 है, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे बच जाएंगे, सबको नहीं मिलेगी। ऐसी तो कोई मांग है नहीं कि आप 5 लाख दे दो, 6 लाख दे दो, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है 4 साल 5 साल से, उसको ये लग रहा है कि 40,000 50,000 वैकेंसी आएगी, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। और अंतिम में लास्ट में आप देखो तो कम से कम 40,000 घरों में जो है वो रोशनी बिखरेगी, और अभी आप देखोगे तो सिर्फ 9,000। एक जोन से 500 400 बच्चा, डीएमसी वाले भर सकते हैं क्या? डीएमसी क्या है, फुल फॉर्म लिखिएगा। वेल्डर की कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ बढ़ेगी इस बार, कट ऑफ ना बढ़े इसके लिए, वैकेंसी बढ़ जाए तो कट ऑफ का थोड़ा सा नीचे होगा। वेल्डर में कंपटीशन, जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसी को देख के कंपटीशन का अंदाजा लगेगा। आईटीआई पंप ऑपरेटर ड्राफ्टमैन सिविल पवन सर से आप कांटेक्ट करें, हमारे चैनल पे है, नमस्ते ड्राफ्टमैन। सर
सबकी कट ऑफ बहुत जाएगी, इतनी वैकेंसी है। तो कट ऑफ पे आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को कि वैकेंसियां तो 9000 है, तो आखिर में तो सीट 9000 बच्चों को ही मिलेगी, बाकी तो पीछे लौट जाओगे आप लोग घर। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? फिटर की कट ऑफ सिविल ड्राफ्टमैन, बिल्कुल वैकेंसी आती है ड्राफ्टमैन सिविल की भी, 10-12 पोस्ट रहती हैं टोटल, लेकिन इस 9000 में तो भाई आपका नंबर लगने से रहा। ठीक है, यही छोटी सी सूचना देनी थी, बताना था कि मनसा जो है सिर्फ 9000 बच्चों को बुलाना है रेलवे में, तो सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, अपनी बात को उठाइए, अपनी मांगों को मांगिए, और हक है आपका, कोई भीख नहीं ले रहे हैं आप। और ध्यान रखिएगा अपना, अपनी हेल्थ का, और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य ना करना मेरे भाई मेरे दोस्त। अगर कुछ हुआ, कुछ आपने ऐसी वैसी हरकत की और कुछ गलत हुआ आपके साथ, तो कोई साथ देने वाला है नहीं मेरे भाई यहाँ। तरीके से अपनी बातों को पहुंचाओ, नौ हजार में प्लम्बर भी नहीं रहेगा, वैकेंसी रहेगी, चाहे दो ही सीट रहे, तीन ही सीट रहे, लेकिन आखिर में बच्चा तो दो ही रहेगा जो सफल होगा, बाकी के तो पीछे लौट जाएंगे ना। अपीयरिंग नहीं चलेगा। वेल्डर के लिए इंग्लिश में कोई कोर्स है, हिंदी में कोई कोर्स है, सब चल रहा है भाई, इंग्लिश हिंदी सब चल रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले वैकेंसी क्या, इतनी सी वैकेंसी में कहाँ से कंपटीशन आप लोग फाइट करोगे दोस्त? पढ़ना पढ़ाना तो लगा रहेगा, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ? मैं तो पढ़ा ही दूंगा आपको, और भी टीचर हैं पढ़ाने वाले। ध्यान रखिएगा अपना, यही है, और कुछ करिए। अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ दिमाग खराब हुआ है जब से मैं नोटिस देखा हूँ। एएलपी के नोटिफिकेशन से ही मुझे अंदेशा था, पिछले बार भी मैं लाइव आया था तो मैंने बताया था कि मुश्किल से मुश्किल 9000-10000 सीट ये लोग दे दें, बहुत बड़ी बात है, और हुआ भी वही। पीसीएम की वैकेंसी हो सकती है, कहाँ से होगी, कितने लोग उसी में लड़ोगे भाई? कहाँ से इतने लोग लड़ोगे सर? सर कोर्स ले सकते हैं वेल्डर के लिए, कोर्स तो भैया पढ़ लोगे आप, बाद में पढ़ लोगे, कहीं एग्जाम भागा जा रहा है, इतनी वैकेंसी में कितना कोर्स पढ़ोगे आप, कितने टीचर का कोर्स पढ़ोगे? नेक्स्ट ईयर की नहीं ऐड करवाना है भाई, पीछे 6 साल का जो हिसाब है वही चाहिए। कपिल जी, अगले साल का नहीं, कि 9000 आपने दिया है और आप फिर से अगले 6 साल गायब कर दो, 1 साल का और इसमें ऐड करके, नहीं, हमको पीछे वाला चाहिए। अभी 15000 एएलपी में खाली है, अभी टेक्नीशियन का डाटा आएगा, आप टेंशन में काहे हो? 15000 लोको पायलट आज की डेट में खाली है, 15000 से ज्यादा सीट है, और निकली कितनी, 5600 कुछ, 5600 वैकेंसी। तो क्या भरोसा कि टेक्नीशियन में सीट इतनी ही है वैकेंट? अभी नहीं बढ़ेगा तो बाद में कुछ नहीं हो सकता, इस बात को मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लो आप लोग।
ध्यान रखिए और बढ़ जाए। अगर श्री राम भी हमारी बात सुन रहे हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन देख करके जो बच्चे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कितना त्राही लग रहा है, कितना दया लग रहा है। लेकिन रेलवे है कि अपने ईगो पे अड़ा हुआ है, ईगो है भाई कि अगर हम आज बढ़ा दिए वैकेंसी तो ये हो जाएगा कि यार ये तू बात मान ली है इनकी। ठीक है, तो रोकते हैं इस स्ट्रीम को यहीं पे। उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। और फिर भी वैकेंसी अगर इतनी ही रहती है तो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें भी कोई चांस नहीं कि होगा कि नहीं होगा। बाकी धन्यवाद।